चलो नमस्ते बच्चे। आज हम कक्षा 4 हिंदी का लेसन है छठा। छठा जो टपका का डर, इसका आज अभ्यास करने का है। तो हिंदी का ये पाठ है वो हिंदी में समझने का है, हिंदी में बोलने का है इसमें, और जितना हो सके उतना हिंदी में बोलने का प्रयत्न करने का है। तो कक्षा 4 के सभी बच्चे इस कहानी को ध्यान से समझना है, और जो एक किताब है किताब में भी आपको घर पे इसकी पढ़ाई करने का है, और इसके सारे प्रश्नों के जवाब है वो आपको नोटबुक में लिखने का है। तो पाठ है छठा। ये जो टपका का डर, ये का बहुत ही मजेदार कहानी है। इसमें एक गरीब बुढ़िया की बात की गई है, एक गरीब स्त्री की बात की गई है कि जो झोपड़ी में रहती थी। तो इसमें बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम में हम जानते हैं कि आसमान से बारिश टपकती है, आकाश में बिजली होती है, और आसमान में काले बादल छा जाते हैं, और पूरा जो वातावरण होता है वो इतना काला हो जाता है। तो बरसात के दिन में, बरसात के मौसम में एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी में रह रही थी। झोपड़ी मीन्स जो घर होता है ना, हम हमारे गांव में भी देखते हैं कि कई लोग झोपड़ी में रहते हैं जो मिट्टी से बनी होती है या पत्थर से बनी होती है, और ये बनाने के लिए जो इसमें ये सीमेंट का उसका तो उपयोग नहीं होता है, छत होता है वो सीमेंट का नहीं होता है, वो घास फूस और लकड़ी से बना होता है। घास होता है ना, घास छत की जगह घास रखते हैं या लकड़ियाँ रखते हैं, और ये झोपड़ी में एक बुढ़िया रह रही थी। और एक दिन बरसात आने से जो पानी था वो झोपड़ी के अंदर पड़ रहा था। आपको पता है जो झोपड़ी होती है वो छत है वो किसकी बनी होती है, छत लकड़ी होती है या घास होता है। तो घास में और लकड़ी में जब पानी गिरता है तो पानी घास में से पसार होके नीचे टपकने लगता है, नीचे गिरने लगता है पानी। ये जो हमारा जो छत होती है सीमेंट की, उसमें पानी नीचे नहीं गिरता है,
लेकिन ये जो झोपड़ी की छत हो घास की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, फूस की बनी होती है, तो पानी होता है उसमें से टपकने लगता है और घर के अंदर पानी गिरता है। तो थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे, ओले ओले होते हैं वो, हम जो कई बार बारिश होती है तो बारिश के साथ वो बर्फ जैसे कण पड़ते हैं जिसे हम ओले कहते हैं। बर्फ जैसे, जैसे बर्फ होता है बर्फ की तरह ओले पड़ते हैं, उसे बर्फ के ओले ओले कहते हैं, कि जो बर्फ के छोटे छोटे कण पानी के साथ नीचे गिरते हैं। कई बार बच्चे हमने देखे हैं कि वो हम हाथ में भी लेते हैं, हाथ रखते हैं तो हाथ में भी गिरते हैं, जिसे हम करा कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, करा करा, और ओला भी पड़ने लगा। ओले होते वो छोटे छोटे बेर होते हैं ना, बेर जैसे होते हैं, मूंगफली के दाने की तरह होते हैं या बेर जैसे होते हैं। इसमें आपको प्रश्न भी आ सकता है कि ओले कैसे होते हैं, तो ओले बेर के बराबर होते हैं, छोटे छोटे बेर होते हैं ना, बेर के बराबर ओले होते हैं। तो ओले बरसने लगे, ओले बहुत ही ठंडे होते हैं, वो बर्फ से बने होते हैं और बहुत ही ठंडे होते हैं। तो ओले गिरने से एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो गया। ओले ऊपर पड़ते, सिर पर पड़ते हैं, अपने बदन पर पड़ते हैं, तो ओले हैं वो हमको ऊपर गिरते हैं तो लगते हैं, बारिश के तरह छींटे नहीं पड़ते हैं वो, इसे पत्थर जैसे होते हैं, बेर जैसे वो हमारे पर पड़ते हैं तो हमें दर्द होने लगता है। तो बाघ के ऊपर पड़ने से बाघ क्या हो गया, ओले पड़ने से बाघ परेशान हो गया। वो कूदते कूदते इधर उधर भागने लगा, और भागते भागते वो कहाँ आ गया, बुढ़िया के घर के पास आ गया। देखो ये बुढ़िया है, चित्र है ना, देखो ये बुढ़िया बैठी है, ये उसकी झोपड़ी है, देखा झोपड़ी में वो कांच से बनी है, इधर बाघ उसके दीवार के पीछे छुप जाता है। दीवार के पीछे बाघ को ओले से, ओले उसके ऊपर नहीं गिरते हैं तो दीवार के पीछे छुप जाता है। बुढ़िया घर में थी, घर में क्या होता था, बुढ़िया घर मीन्स झोपड़ी, वो एक घर ही होता है छोटा, वो झोपड़ी में थी। झोपड़ी में क्या होता था, झोपड़ी में ऊपर से पानी नीचे टपक रहा था। बुढ़िया अंदर खाना बना रही थी, चावल पका रही थी, क्या पका रही थी, चावल, चावल हम जो कहते हैं चावल चोखा, बुढ़िया चावल पका रही थी। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, बुढ़िया क्या पका रही थी, तो बुढ़िया चावल पका रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था, चावल पका रही थी, चूल्हा जल रहा था तो ऊपर से पानी टपक रहा था, छत पर से पानी था वो चूल्हे पर टपक रहा था। वह झुंझला उठी और बोली, बुढ़िया क्या बोलती है, कि मुझे टपका से इतना डर लगता है कि जितना बाघ से भी नहीं। बुढ़िया बोली कि मुझे तो टपका से बहुत ही डर लगता है, बाघ से भी ज्यादा डर मुझे टपका से लगता है। बुढ़िया क्या बोली, बाघ से भी ज्यादा डर मुझे इस टपका से लगता है, क्योंकि टपका होता है वो ठंडा लगता है, हमारे शरीर पर पड़ता है तो ठंडा लगता है। इसलिए बुढ़िया बोली कि मुझे तो बाघ से भी ज्यादा डर तो इस टपके से लगता है। और यह बाघ सुन जाता है, बाघ दीवार के पीछे खड़ा था वो ये सुनता है,
कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। बुढ़िया मुझसे नहीं डरती और टपका से डरती है। जरूर टपका तो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। बुढ़िया वो बाघ क्या बोला कि टपका तो मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। बस इतना सोचते ही बाघ डर गया और वहां से सिर पर पैर रखकर भाग गया। सिर पर पैर रखना, बहुत तेजी से भागना, दौड़ना। बाघ था वो तो जंगल में भाग गया। वो डर गया था, किससे डर गया था? टपका से। बाघ को किसका डर लगा था? टपका का। बाघ को टपका का डर क्यों लगा? क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो बाघ से ज्यादा डर तो टपका से लगता है। इसलिए वो बाघ अपने सिर पर पैर रखकर भागने लगा। सिर पर पैर रखना, बहुत तेज गति से भागने लगा। तो ये पाठ बहुत ही अच्छा है। बराबर, गुजराती में भी थोड़ा समझा देता हूँ कि आ पाठमा टपकानो डर, टीपानो डर, जेने टीपू आपणे गुजराती में कही के टपकू, बराबर टीपानो डर। हवे ચોમાસાની ઋતુ હતી, આકાશમાં કાળા કાળા વાદળો છવાઈ ગયા હતા, આકાશમાં વીજળી થતી હતી અને આકાશમાંથી વરસાદ હતો, એ વરસતો હતો। અને આ સમયમાં જંગલમાં એક ડોસી રહેતી હતી। ડોસીએ જંગલમાં એક ઝૂંપડી બનાવી હતી। ડોસીમાં એ ઝૂંપડી ઉપર છત ઘાસથી અને લાકડાથી બનાવેલી હતી અને દિવાલ હતી કાચી માટીથી બનાવેલી હતી। પથ્થર હોય બરાબર એના પર કાચી માટીની ગાર કરવામાં આવે, જે ગાર આપણે કરતા ગામડામાં લેપ લગાવવામાં આવે, બરાબર ગાર કરીને ઝૂંપડી હતી એને બનાવી હતી। અને આ ઝૂંપડીમાં ડોસીમાં રહેતી હતી। જંગલમાં આજુબાજુમાં કોઈ રહેતું નહોતું। ચોમાસાની ઋતુ હતી, વરસાદ વરસવા લાગ્યો અને વરસાદની સાથે સાથે કરા પણ પડવા લાગ્યા, ઓલા કરા પણ પડવા લાગ્યા। કરા એટલે કે બરફના ટુકડા, એવા નાના નાના બરફના ટુકડા નો વરસાદ થાય। આપણે કેમ વરસાદમાં આપણે જોઈએ અત્યારે કે છાંટા પડતા હોય, પણ છાંટાની જગ્યાએ નાના નાના બરફના ટુકડા પડે કે જે બોર જેવા નાના હોય, બરાબર નાના નાના બોર જેવા આસમાનમાંથી આકાશમાંથી બરફના ટુકડા પડતા, એને ઓલા કહેવાય, એને આપણે કરા કહીએ। હવે બુઢિયા પોતાની ઝૂંપડીની અંદર ચાવલ પકાવતી હતી, ભાત બનાવતી હતી, ભાત એને રાંધવા મૂક્યા હતા, ભાત એ બનાવતી હતી અને ચૂલા ઉપર ઉપરથી પાણી ટપકતું હતું, ઓલાનું પાણી હતું એટલે પાણી ખૂબ જ ઠંડુ હતું, એના ઉપર આ પાણી પડે એટલે ખૂબ જ ઠંડુ લાગે, એટલે બુઢિયાને આ પાણી એના માથે પર પડતું બરાબર એટલે એને ખૂબ જ ઠંડુ લાગતું અને એને ટાઢ ચડી જાય। એટલે બુઢિયાએ કીધું કે મને ટપકાથી ખૂબ જ વધારે ડર લાગે છે, જેટલો ડર મને વાઘથી ન લાગે એના કરતા વધારે ડર મને ટપકાથી લાગે છે। અને પાછળ દિવાલની પાછળ વાઘ ઊભો હતો, વાઘ આ સાંભળી જાય છે, એ મનમાં વિચાર કરે કે આ ડોસી મારાથી નથી બીતી અને ટપકાથી બી હશે, તો આ ટપકું તો જરૂર મારા કરતા કોઈ વધારે શક્તિશાળી જાનવર હશે અને મને પણ મારી રાખશે। એટલે એના ભયથી આ વાઘ હોય છે એ ઝૂંપડી પાસેથી ભાગી જાય છે જંગલમાં, અને એટલો તેજ ગતિથી ભાગે છે કે જેમ કે શિર ઉપર પેર રાખે એવો ભાગને લગતા હોય, ભાગ જાતા હે। તો ઇસમે પ્રશ્ન કા જવાબ હૈ, તુમ્હારે ગાંવ મેં કૈસે કૈસે ઘર હૈ? તો
आपके गांव में कैसे कैसे घर है वो आपको बताने का है। हमारे घर में कच्चे माटी के घर है, हमारे गांव में पक्के सीमेंट के घर है, हमारे गांव में कई झोपड़ी भी है। तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है, अपना जो घर होता है वो किन किन चीजों से बनता है, घर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सीमेंट की जरूरत पड़ती है, सीमेंट रेत रेत की जरूरत पड़ती है, लोखंड लोखंड की जरूरत पड़ती है, और काकरी जिसे हम काकरी कहते हैं काकरी की जरूरत पड़ती है, और घर बनाने के लिए ईंट की जरूरत पड़ती है। कई घर पत्थर से भी बनाते हैं, तो सीमेंट लोखंड दरवाजे होते हो लकड़ी के भी, लकड़ी रेत कपची ये सभी से हमारा घर बना होता है। छप्पर किन किन चीजों से बनता है, जो छप्पर होता है झोपड़ी का वो छप्पर किन किन चीजों से बनता है, तो छप्पर होता है घास से बना होता है या लकड़ी से बना होता है, और आज जो छत है वो सीमेंट और लोखंड से बनती है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, तो बरसात के मौसम में आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बरसात के मौसम में आसमान में बिजली होती है, बरसात के मौसम में बारिश बरसती है, बरसात के मौसम में ओले भी पड़ते हैं। ओले पड़ने पर तुम लोग क्या करते हो, ओले पड़ने पर हम लोग क्या करते हैं, ओले पड़ने पर हम लोग अपने घर में चले जाते हैं या अपने छत के नीचे चले जाते हैं या दीवार के पीछे खड़े हो जाते हैं। कई बार ओले पड़ते हैं तो हम ओले से खेलते हैं, उसे हाथ में लेते हैं, उछालते हैं, और कई बार एक दूसरे पर ओले फेंकते भी हैं, खेलते भी हैं। तो ओले पड़ने पर लोग ये करते हैं। ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है, ओले पड़ने पर किस तरह का नुकसान होता है, ओले पड़ने से नुकसान ये होता है जो खेत में फसल होती है वो गिर जाती है, फसल मीन्स जो खेडूत जो पाक हो खेतर में बराबर ओला जो करा पड़े ओला ओले खेतर पाक वही नमी जाए टूटी जाए, खेत में जो पाक होता है वो गिर जाता है। ओले पड़ने से कई बार बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने से कई जीव भी मर जाते हैं। कोई आदमी घूम रहा होता है और बड़े बड़े ओले पड़ते हैं सिर पर बराबर, कहीं पर छुपने की जगह नहीं होती, तो कई कई जानवर ओले गिरने से मर भी जाते हैं। ओले पड़ने से ऐसे नुकसान भी होते हैं। तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं, चूल्हे कितने प्रकार के होते हैं, चूल्हे मिट्टी का होता है, चूल्हा और सीमेंट का होता है, और हमने देखा है कि जो आज भी गांव में मिट्टी के चूल्हे बने होते हैं, सीमेंट के चूल्हे बने होते हैं, और चूल्हे कई जगह पर जो लोखंड होता है लोखंड का भी बना होता है। जंगल में बाघ के अलावा और कौन कौन से प्राणी रहते हैं, तो जंगल में शेर हिरण बराबर बाघ जिराफ हाथी कई सारे जो जंगली प्राणी है उसका नाम आप लिख सकते हैं।
बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही थी, क्योंकि बुढ़िया के झोपड़ी में पानी टपक रहा था और पानी बहुत ही उसे ठंडा लगता था। और चूल्हे पर उसने चावल पकाने के लिए रखे थे, इसलिए बुढ़िया अपने मन ही मन में झुंझला रही थी। बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया, क्योंकि बुढ़िया ने कहा कि मुझे बाघ से भी ज्यादा डर टपका से लगता है। यह बात सुनकर बाघ अपने मन में सोचने लगा कि जरूर ये टपका मुझसे भी कोई शक्तिशाली जानवर होगा, इसलिए वह अपने सिर पर पैर रखकर भागने लगा। बुढ़िया कहाँ रहती थी, बुढ़िया जंगल में रहती थी। कहाँ रहती थी, जंगल में। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा, बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया, ओलों की मार जब ओले गिरने लगे तो बाघ कहाँ आ गया। भागकर बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के दीवार के पीछे आ गया। पानी टपकने की आवाज कैसी होती है, टप टप टप, टिप टिप टिप, टप 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 टप, पानी टपकता है। बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था, तब बुढ़िया को सबसे ज्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ अपने सिर पर पैर रखकर भागने लगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में पांच पांच वाक्य लिखिए। तो यह मोर है, बाघ है और तोता है। बराबर सभी के बारे में आपको पांच पांच वाक्य लिखने के हैं कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है, मोर रंग बिरंगी पक्षी है, मोर के सिर पर कलगी होती है, मोर टेहूं टेहूं बोलता है, मोर छोटे छोटे जीव जंतु और अनाज के दाने खाता है, बाघ बाघ जंगल में रहता है, बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है, बाघ बहुत ही शक्तिशाली प्राणी है, बाघ बहुत ही तेज गति से दौड़ता है, बाघ मांसाहारी प्राणी है। तोता के बारे में, तोता एक पक्षी है, तोता हरे रंग का होता है, तोता की चोंच लाल रंग की होती है, तोता टमाटर और मिर्च खाता है। बराबर इसके बारे में आपको, तोता बहुत ही सुंदर पक्षी है। पांच पांच वाक्य सभी के बारे में, पांच छह वाक्य लिखने का है। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करिए। ये जो चित्र है, इस चित्र का वर्णन यहाँ पर लिखने का है। यह चित्र मेले का चित्र है। इस चित्र में कई सारी दुकानें और स्टोर है। इस चित्र में सामने जादूगर का शो चल रहा है। इस चित्र में गुब्बारा वाला गुब्बारे बेच रहा है। चित्र में एक मदारी खेल बता रहा है। इस चित्र में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसके बारे में आपको 8 के 10 वाक्य इसमें लिखने के हैं।
और नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। पाना नंबर 32 पर ये जो कहानी है, ये कहानी भी लिखने का है, हिंदी में लिखने का है, बहुत ही अच्छी कहानी है। देखिए, हम इसमें आप देख सकते हैं कि चित्र, एक एक चित्र के बारे में आपको बोलने का है कि पहले चित्र में हम देख रहे हैं, इस पहले चित्र में चूहा और शेर दिखाई दे रहा है। चूहा जंगल में शेर के ऊपर घूम रहा है, शेर के ऊपर चूहा है वो घूम रहा है। और दूसरे चित्र में हम देखते हैं, इस दूसरे चित्र में कि शेर ने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया है, शेर ने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया है। तीसरे चित्र में शेर के सामने चूहा खड़ा है और हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचा लो, मुझे मारो नहीं। ये चौथा जो चित्र है, बराबर इसमें देखते हैं कि चूहा भाग रहा है, शेर के पास से चूहा भाग जाता है। और पांचवें चित्र में, इस चित्र में देखिए कि शेर एक जाल में फंस गया है और चूहा जाल को काट रहा है। इस चित्र में चूहा, शेर के सामने चूहा खड़ा है और शेर चूहे को, चूहे के साथ बात कर रहा है। तो ये कहानी, ये तो इसके जो चित्र का वर्णन था, तो ये कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है कि एक जंगल में एक शेर रहा था, एक जंगल में एक शेर रहता था, उस जंगल में एक चूहा भी रहता था। एक दिन दोपहर को शेर सो रहा था, शेर सोता है ना, एक दिन दोपहर को शेर सो रहा था और चूहा घूमते 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 इधर उधर घूमते घूमते वो शेर के पास आता है और मस्ती में मस्ती में शेर के ऊपर वो चलने लगता है। शेर के ऊपर चूहा है वो घूमने लगता है, इधर जाता इधर जाता इधर जाता इधर जाता, चूहा इधर उधर शेर के शरीर पर घूम रहा था। अब शेर की नींद बिगड़ जाती है और हम जानते हैं कि जब नींद बिगड़ती है तो कोई भी गुस्से में आ जाते हैं। उसने देखा कि मेरे शरीर पर कौन घूम रहा है, शेर ने देखा तो उसके शरीर पर चूहा घूम रहा था। अरे चूहा, चूहा को पकड़ लिया कि तूने मेरी नींद बिगाड़ी, तेरी यह हिम्मत हिम्मत कि तू मुझ पर घूमने लगा, तुझे पता है मैं कौन हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं, मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा तो शेर के हाथ में आ गया और चूहा तो डर गया और चूहा बोलने लगा खड़ा होकर, अरे जंगल के राजा शेर, मुझे मारो नहीं, मुझे मारो नहीं, मुझे बचा लो, मैं, मुझसे गलती हो गई है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो और मैं भी आपको काम आऊंगा, कभी
आपको मैं भी काम आऊंगा, मुझे आप माफ कर दीजिए। शेर कहता है, अरे छोटे चूहा, तू मुझे काम आएगा? मुझे तेरी कभी जरूरत नहीं पड़ती, मुझ में बहुत सारी शक्ति है, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे तेरे जैसे छोटे छोटे जानवर की कभी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ देता हूँ। चूहे को छोड़ देता है, चूहा चला जाता है और एक दिन ऐसा बनता है कि एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है और शिकार करने के लिए उसने जंगल में एक जाल बिछा रखी थी। जाल जाल किसे कहते हैं? इसे जाल कहते हैं जो मजबूत डोरी से बनी होती है। ये जाल मजबूत डोरी से बनी होती है, वो टूटती नहीं है। इसमें कोई भी प्राणी, शेर या बाघ आ जाते हैं तो उसके पैर उसमें फंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता है। तो बाघ उसमें फंस जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जाल लेकर, नीचे जब भी कोई प्राणी आता है तो उस पर जाल फेंक देता है और प्राणी उसमें फंस जाता है। कई बार शिकारी जो जमीन पर भी जाल को बिछा देते हैं, उसके ऊपर से कोई भी प्राणी आता है तो उसमें फंस जाता है। तो शेर उसमें फंस जाता है जाली में, जाली पूरे अपने शरीर पर आ जाती है, उसमें से निकलने की कोशिश करता है लेकिन शेर उसमें से निकल नहीं सकता है। अब शेर तो बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही दुखी हो गया कि मैं इस जाली में फंस गया हूँ, अभी कोई शिकारी आ जाएगा और मुझे मार देगा। तभी ऐसा सोचता है, तभी वहां से एक चूहा पसार खाता है। वही चूहा था जिसको शेर मारने के लिए मार रहा था। वो चूहा से उधर से निकलता है, चूहा कुछ बोलता नहीं है, उधर से निकलता है। चूहा को पता था ये शेर इसमें फंस गया है, अभी मुझे बुलाएगा। तो वहां से चूहा पसार खाता है तो सिंह कहता है शेर, अरे चूहा भैया मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, आप किसी तरह मुझे बचा लो, मैं आपको विनती करता हूँ, आपको पैर पड़ता हूँ। तब चूहा सोचता है कि अरे शेर राजा, आप इसमें फंस गए, आप तो बहुत ही शक्तिशाली है, हमारा जैसे छोटे जानवर की आपको क्या जरूरत है, आप तो इसमें से बच सकते हैं, आप अपने शक्ति का उपयोग करिए। लेकिन शेर कहता है कि नहीं चूहा भैया, आपने उस दिन सही कहा था कि कभी कभी छोटे जानवर की भी जरूरत पड़ती है, आपके दांत बहुत ही मजबूत है, आपके दांत से ये जाल को काट लीजिए और मुझे बचाओ। चूहा कहता है कोई बात नहीं, आपने मुझे माफ कर दिया था तो मैं भी आपको मदद करता हूँ। चूहा ने वो जाल अपने दांत से काट दी और शेर उसमें से निकल गया और बच गया। और बाद में शेर कहता है कि वाह चूहा भैया, आपने मेरी जान बचा ली, आज मुझे पता चला कि कभी कभी छोटे छोटे जानवर की भी हमें जरूरत पड़ती है। तो इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है कि हमें कभी किसी का खराब करना चाहिए नहीं, कभी निर्दोष प्राणी को मारना चाहिए नहीं, कभी हमें छोटे छोटे जानवर की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी हमें छोटे छोटे आदमी की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी हमें किसी आदमी को परेशान करना चाहिए नहीं। जब हम मुश्किल में होते हैं तब हमें कई लोगों की जरूरत पड़ती है, हमें कभी भी अपने साथ रहने वालों के साथ बिगाड़ना चाहिए नहीं, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। अब इसमें वाक्य है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाने का है कि मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियां है ना,
मेरे घर में बिल्ली है, मेरे घर में बिल्लियां है, तो वाक्य आपको ऐसा लिखने का है, मक्खी, मेरे घर में मक्खी है, मेरे घर में मक्खियां है। एक वचन और बहुवचन का वाक्य है, मेरे घर में लड़की है, मेरे घर में लड़कियां है, मेरे घर में रोटी है, मेरे घर में रोटियां है, मेरे घर में चूड़ी है, जो चूड़ी होती है ना चूड़ी, मेरे घर में चूड़िया है। तो एक वचन का बहुवचन, तो ये जो छठा पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो एक से छह पाठ आपके पूरे हो गए हैं, तो सभी पाठ के प्रश्न जवाब आपको लिखने का है, सभी पाठ आपको प्रश्न जवाब पक्के करने के हैं, और नोटबुक में भी इसके प्रश्न का जवाब आपको लिखने का है। हिंदी की नोट अलग से भी आपको बनाने की है, और आसपास में भी जितने पाठ पूरे हो गए वो आपको लिखने का है, घर पर रहने का है, बाहर बिना काम के घूमने का नहीं है, पढ़ाई करने का है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।